press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अच्छा यहाँ पे बाय चांस किसी को अपने जॉब के लिए ट्रैवल करना पड़ता है बिजनेस या जॉब के चक्कर में ट्रैवल कितने लोगों मेक सम नॉइस या इंडिया से बाहर मतलब नहीं ऑडियंस में इतनी बार हो सक इतनी बार हो चुका ना कि हाँ कहाँ से मैं थाने से अंधेरी अरे पहला अच्छा हुआ आपने बेडरूम से ड्राॅइंग रूम नहीं बोला नहीं क्योंकि हमारा तो जॉब ऐसा ना जैसे मेरे को अपन मजदूर आदमी अपने को जो पैसे दे के बोले कि ये लो भैया वहाँ शो करना है अपन वहाँ चले गए अपने को बोले ये लो पैसे वहाँ शो करना है वहाँ अपन मजदूर आदमी है ना इसलिए बोला कि मेरी नहीं चलती कि मैं कहाँ जा रहा हूँ शो करने इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं एक शो करने गया थाईलैंड यही जो मुस्कुराहट है ना शो करने एक दिन गया था एक महीने से लोगों को यही यकीन दिला रहा हूँ कि सिर्फ शो करने गया था कोई मानने को तैयार ही नहीं है चरित्र पे ऐसा दाग लगाया ना तो पहले जब शो आया ना कि अच्छा ये थाईलैंड का शो जाना है बैंकॉक में शो तो वीजा अप्लाई करने गया तो वीजा के लिए क्या करना पड़ता है आपको ना बैंक स्टेटमेंट जमा करनी पड़ती है अपनी वीजा ऑफिस में क्योंकि वो देखते हैं कि तुम्हारी औकात है या नहीं तो मेरे घर के पास बैंक है जहाँ रेगुलर बैंक है अपना ICICI बैंक है वहाँ का मैनेजर दोस्त है तो वहाँ जाते ही सीधा बोलता है यार निकाल दे उसको पता है कि वीज़ा का चलता रहता है तो गया उसने बोला इस बार कहाँ जा रहे हो मैं थाईलैंड बोला मैंने बोला साला शो करने जा रहा हूँ बोला हाँ वो तो जब वापस आओगे तो मैं स्टेटमेंट देख के बताऊँगा क्या करके आए हो कोई नहीं मान रहा भाई फोटो खिंचाने के फोटोग्राफर के पास जो पासपोर्ट साइज फोटो लगती वीजा के लिए तो पूछते हैं कौन सी कंट्री का मैंने बोला थाईलैंड बोला मैं कोई तो मान जाओ उसके बाद मैं गया केमिस्ट के पास क्योंकि अपन इंडियन लोग क्या करते हैं अपन बाहर जाते हैं ना इंडिया के तो अपन एक अपना दवाइयों का पाउच बना के ले आते हैं नहीं क्योंकि अपना कट चुका है पहले हो चुका अपने साथ US में गए थे तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स देने से मना कर दिया कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के देते नहीं है और दूसरी जो देते हैं होती बहुत महंगी तो अपने यहाँ से सब लोग पाउच बना के ले आते हैं केमिस्ट ने पूछा कहाँ जा रहे हो बोला थाईलैंड उसने वो स्माइल नहीं दी उस हरामखोर ने पैरासिटामोल और डिस्प्रीन के बीच में कॉन्डम का डब्बा रखे धीरे से मैं साले ये क्या तो है नाम नोबेल केमिस्ट काम ऐसे बोलता है सर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मैं बोला साले मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ बोला हाँ वहाँ सभी परफॉर्म करने जाते हैं कोई नहीं मान रहा भाई तो इसके बाद फाइनली वीजा सब हो गया एयरपोर्ट पहुँचे तो एयरपोर्ट पहुँचा ना तो वहाँ पे जब बोर्डिंग गेट था ना देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ न्यूली मैरिड कपल्स बेसिकली ये सब वो लोग जिनका ट्रैवल एजेंट ने काट दिया है कि लोग हनीमून मना रहे थाईलैंड जा रहे हैं और उनको देख के तुम एक सेकंड में बता सकते हो कि किसकी अरेंज मैरिज हुई है और किसकी लव मैरिज एक नजर में बिकॉज पीपल हु हैड लव मैरिज दे बिजी प्लेइंग विद देयर आईफोन एंड आईपैड दे वर लाइक हनीमून फॉर्मेलिटी और जिनकी अरेंज मैरिज हुई थी ना दे वर लाइक मेरी बीवी है वी बोर्ड द फ्लाइट सो दिस कपल सेट इन फ्रंट ऑफ मी दे हैड एन अरेंज मैरिज आई टेल यू हाउ द मोमेंट द प्लेन टुक ऑफ द गाय टेक्स हिज राइट हैंड ओवर द शोल्डर ऑफ हिज वाइफ ही थिंक्स इज वेरी स्मार्ट ही थिंक्स नोबडी नोज व्हाट इज अप टू हम तो भैंस के कभी मूवी हॉल गई नहीं ना
लगा पड़ा लगा I know it's his wife, it's his honeymoon, and I shouldn't have a problem with this. But my problem was ki yaar main to insaan hi hu na. I was getting turned off like for the first time in life I made use of the seal pen. I'm like nahi. तभी वो दीदी आ गई वो दीदी को भी चैन नहीं दीदी आ गई सर सीट बेल्ट का साइन बंद हो गया आप सीट बेल्ट खोल सकते हैं आई सर नो टर्बुलेंस अच्छा यहाँ पे थाईलैंड कितने लोग गए हुए हैं कौन कौन गया हुआ है थाईलैंड गए हाँ जो लोग नए गए उनको बता दूं कि थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट कैसी दिखती है पूरी की पूरी फ्लाइट 30 साल से लेकर 60 साल के हिंदुस्तानी मर्दों से भरी हुई और सबके मुंह पे एक ही लुक सबके सब मैं फ्लाइट में घुसते में भैंसों की क्या रेबीज फैला हुआ इस कपल के आगे एक और बंदा बैठा आइल सीट पे उसका हुलिया बताता हूँ भाई ने पहनी हुई हैट और चश्मा गॉगल्स ये प्लेन के अंदर की बात हो रही है हैट गॉगल्स मूछ और स्लीवलेस बनियान नहीं टी शर्ट नहीं थी वो बनियान ही थी और मैं गैस कर रहा हूँ कि उसका नाम या तो जिगर था या जिग्नेश नहीं रैंडम गैस नहीं है उसके यहाँ पे ना गंदा सा टैटू बना था JIGGA जिगा तो जिगा भाई के साथ थोड़ा गलत हुआ जिस भी एजेंट ने जिगा भाई की टिकट बुक की थी ना जो भी ट्रैवल एजेंट था उस हरामखोर ने जिगा भाई को ये नहीं बताया कि थाईलैंड तक पहुँचने का वेट करना होता है जिगा भाई प्लेन में बैठे पहली बार उन्हें लगा कार्यक्रम शुरू हो गया और आपको तो पता ही कि एयर होस्टेस कितना हंस हंस के बात करती है जिगा भाई फुल कंफ्यूज जिगा भाई को बताना पड़ा कि लैंड करने का वेट कर लो जो बोला वो होगा पर लैंड वेट सब्र का फल मीठा वहां लैंड किया जैसे निकले जिगा भाई तो जिगा भाई बोला अब उनको बुए बताना भूल गए कि इमिग्रेशन भी होती है तो इमिग्रेशन के जो हुआ था ना काउंटर उस पर बंदी थी जो जिगा भाई तो जिगा भाई को लगा ओ यही है फोटो वोटो भी खींचने को बोल रही है तो जिगा भाई बंदी के साथ शुरू तो बंदी बोले अरे रुको अभी नहीं आगे आगे ये सब ठीक है जिगा भाई को बोला ये आपकी पैंट पे वाइट वाइट क्या लगा है जिगा भाई क्या बोलता है वीजा ऑन अराइवल फाइनली अंदर अपन थाईलैंड में घुस घुस गए तो वहां पे अच्छा ये थाईलैंड मैंने एक चीज सीखी है कि आप थाईलैंड जैसी जगह पे जाओ ना और ऐसे रास्ते पे कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो उसको फुल इग्नोर मारना है ये मैंने सीख लिया ये हाय हेलो मत करते ना क्योंकि वो भी पकड़ा जाएगा और तुम भी तो ऐसे एक अंकल जिनको मैं बचपन से जानता हूँ अंकल आए एक दूसरे की नजर देखी और देखते हम दोनों ऐसे मुड़ के गए मैं मुड़ते ही फोन किया मैं पापा फूफा जी थाईलैंड में क्या कर रहे हैं और जो वहां पे एक चीज और फेमस है फिश स्पा देखा ये मुझे पता नहीं था मैं वो क्या है ये तो बोले पानी में पैर डालो और ये मछली आपकी चमड़ी खाएगी और इसके आप पैसे दोगे मैं मेरे यहाँ कुछ लिखा है क्या बे मुझे पता नहीं वहाँ रेस्टोरेंट में जाके हम जब चिकन खाते तो हम पैसे देते हैं
तो ये मछली अगर खाएगी तो साले तू पैसे दे. उल्लू बनाते हैं बाहर, मानना नहीं कि तुम फ्री में खिलाया हो. फिर वहाँ पे जो मेन चीज़ करने जाते हैं जो ज़्यादातर, नहीं मसाज पे ऐसे नहीं, मसाज वो भी मैं इसलिए माना क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि जो मसाज यहाँ 4000 की होती है वहाँ 400 में हो जाती है. मैं, ये तो ठीक है, बचत की बात है, फिर करानी चाहिए. गए मसाज कराने, तो बंदी ने पहले तो 10-15 मिनट मेरे शरीर के साथ खेला. नहीं, लिटरली अभी मसाज ही चल रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी नहीं. मसाज 10-15 मिनट करके धीरे से मेरे कान के पास आके अपनी वाली इंग्लिश में बोलती है, डू यू वांट एक्स्ट्रा. अब देखो तुम हिंदुस्तानी, तुम्हें जिंदगी में कभी एक्स्ट्रा के लिए मना ही नहीं किया है, चाहे तुम्हें घंटा नहीं पता कि एक्स्ट्रा क्या है. एक्स्ट्रा हाँ. मैं जैसे ही बोला हाँ, उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, मैं तो टॉवल लपेट के भागा हूँ कोई. अब मेरी इतनी फटती कि परसों मैं लंच कर रहा था रेस्टोरेंट में, तो वेटर आया ऐसे ग्रेवी लेके कि सर डू यू वांट एक्स्ट्रा, वाला भेज दूर हो जाओ. हेलो एवरीबॉडी, आपको मेरा वीडियो व्हेन एन इंडियन विजिट्स थाईलैंड कैसा लगा प्लीज़ बताना, सबके साथ शेयर करना. और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंडियन जो थाईलैंड में आता है वो मसाज ही कराने आता है. मसाज